अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम असद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पीएचडी मार्केटिंग फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। भाईजान अपना तारुफ करवाएं पहले आप। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, मैं जतोई से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, और मैं यहाँ मुल्तान में मैच देखने आया। अच्छा, अब आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मैच का, स्टेडियम का? हाँ, बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा फील कर रहे थे। अच्छा, एम्बियंस कैसा था, डीजे वगैरह कैसे थे, माहौल अंदर कैसा था? बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, तकरीबन काफ़ी हद तक ठीक ठाक था माहौल, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। ठीक है, कोचिंग वगैरह के हवाले से भी मतलब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा जी, तो आप सपोर्ट किस टीम को कर रहे थे? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी करूँगा। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान मैच जीतेगा या काली आंधी कुछ एंड पे करेगी? जिस हालात से खेल रहे हैं मतलब उस हालात से अंदाजा होता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी भी देखे 3 विकेटें रहती हैं और रन बांध रहे हैं, 20 ओवर रह गए हैं। ठीक है, 125 करने हैं 20 ओवरों में, तो क्या वेस्ट इंडीज़ कर पाएगी या हम उन्हें आउट कर लेंगे पहले? नहीं कर पाएगी, पहले आउट हो जाएंगे। चलो, क्योंकि ये प्रेशर राइज हो गया इस टाइम। ठीक है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी यानी कि मेहनत की है। अच्छा, और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। और बाकी भाइयों का क्या ख्याल है इस बारे में? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत होगी। वो जो पीछे वाला वो तो मुझे पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं लग रहा। अच्छा, ओवरऑल आप बताएं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में, इंतजामिया के बारे में, पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था, रेंजर्स का कैसा था? नहीं, पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज वो हालात नहीं है जो पहले होते हैं, मतलब अक्सर बाज बात चौराहों पे खड़े होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ आगे हमने 3-3, 4-4 बंदे एक ही बाइक पे थे, हमें अच्छा किसी ने रोका नहीं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।